मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, व्याख्याता EVST, श्री राधेश्याम आर मोरार का राजकीय महाविद्यालय चूज़ू। प्रिय विद्यार्थियों, BCOM पार्ट थर्ड, विषय EVST, प्रश्न पत्र प्रथम, अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में हम आज नए टॉपिक के साथ, जो कि अंकेक्षण एवं अंकेक्षक, ऑडिट एंड ऑडिटर्स में का अध्ययन करेंगे। अंकेक्षक ऑडिट की बात जो थी अंकेक्षण की, और अंकेक्षक अंकेक्षण का ही द्वारा जो लेखे जोखे तैयार किए जाते हैं और उनकी जो ऑडिट की जाती है वो अंकेक्षण के द्वारा की जाती है। आज हम अंकेक्षण या अंकेक्षक, ऑडिट एंड ऑडिटर्स दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, ये जो भारतीय कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत बातें हैं, मुख्यतः वो वर्तमान तक चलती आ रही हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिए अपने हिसाब किताब का योग्य अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, और ऐसा अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। अर्थात स्पष्ट शब्दों में, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कंपनी का विधान जो 2013 के अंतर्गत कंपनी की स्थापना की गई हो और उसके हिसाब किताब की जांच के लिए हमें अंकेक्षण नियुक्त करना है, और अंकेक्षण के माध्यम से जो अंकेक्षक है उसके माध्यम से जो अंकेक्षण कराया जाएगा, ऐसे अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षक हम वैधानिक अंकेक्षण कहलाएंगे या कहेंगे। और जो योग्य व्यक्ति इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षक कहते हैं। भारतीय कंपनी विधान में इस वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, जो भारतीय कंपनी विधान है उसके अंतर्गत वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना, उसे हटाया जाना, उसका पारिश्रमिक तय करना, अधिकार व कर्तव्य के संबंध में कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के तहत ही एक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति में यदि वो काम सही तरीके से नहीं करता है तो हटाया जाता है। उसका पारिश्रमिक भी इस नियमों के अधीन ही है, और उसके अधिकार और कर्तव्य भी इस संबंध में सारे के सारे कानून बनाए गए हैं। अब हम इसमें अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति, हमें अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जाए, और नियुक्ति के पश्चात यदि दोबारा उसकी जरूरत पड़े तो उसे पुनः नियुक्ति कैसे दी जाए, इस बारे में अध्ययन करेंगे। अपॉइंटमेंट एंड डी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। सबसे पहले हम प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी प्रथम वार्षिक सभा में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। कंपनी की जो प्रथम वार्षिक सभा है उसमें किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दी जा सकती है या किसी फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। जो इस पद पर इस सभा की समाप्ति से छठी वार्षिक सभा के अंत तक बने रहेंगे एवं इसके पश्चात प्रत्येक छठी साधारण सभा की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों के द्वारा अंकेक्षकों का चयन निर्धारित रीतियों प्रक्रिया से किया जाएगा। सीधा सीधा स्पष्ट है कि जब इसकी नियुक्ति की जाती है वो व्यक्ति के हो या फर्म हो जो अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की जाएगी। इस पद पर सभा की समाप्ति से छठी वार्षिक सभा के अंत तक उसे बनाए रखा जाएगा, और इसके पश्चात यदि उसकी आवश्यकता है तो उस छठी साधारण सभा की समाप्ति के बाद भी सदस्यों के द्वारा अंकेक्षक के चयन है वो निर्धारित रीति व प्रक्रिया के अनुसार पुनः किया जा सकता है।
बशर्त की कंपनी द्वारा इस नियुक्ति के संबंध में विषय को कंपनी के सदस्यों के अनुसमर्थन हेतु प्रत्येक वार्षिक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तभी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। उसमें शर्त क्या हो, उसके लिए यह है शर्त है कि कंपनी द्वारा संबंधित अंकेक्षकों को उनकी नियुक्ति की सूचना प्रेषित की जाए तथा ऐसी नियुक्ति के संबंध में इस साधारण सभा की समाप्ति के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल किया जाना चाहिए। अंकेक्षक जो नियुक्ति है उसकी सूचना है वो प्रेषित की जाए और साधारण सभा की समाप्ति के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल किया जाना चाहिए। इस प्रकार इसकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा इसमें है, कोई भी सूचियन कंपनी, लिस्टेड कंपनीज हैं, कोई भी सूचियन कंपनी अथवा इस वर्ग या वर्गों से संबंधित कंपनियां जैसा कि निर्धारित है निम्नलिखित को नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं देगी। किन किन को नियुक्ति दी जा सकती है, किन को नहीं दी जा सकती है, इसमें पहला है किसी व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में 5 वर्षों की निरंतर एक अवधि से अधिक के लिए नहीं, 5 वर्ष तक किसी व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है इससे अधिक अवधि के लिए। दूसरा है एक अंकेक्षण फर्म को अंकेक्षक के रूप में निरंतर 5 वर्षों की 2 अवधियों के लिए, यदि अंकेक्षण व्यक्ति के स्थान पर अंकेक्षण फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसको 5-5 वर्ष की 2 अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि एक व्यष्टि अंकेक्षक जिसको उपरोक्त हमने ए में बताया था कि वो 5 वर्ष से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसके अंतर्गत अपनी अवधि संपूरित की है, वह उसी कंपनी में अपनी अवधि पूर्ण होने के पश्चात फिर से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त योग्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना है उसमें। दूसरा है एक अंकेक्षण फर्म जिसे हमने खंड ब में बताया कि वो लगातार 2 वर्ष तक 5-5 के 2 कार्यकाल की अवधि वो पूरी कर ले, वह उस कंपनी में अपनी अवधि पूर्ण होने के पश्चात पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति योग्य नहीं होगा। आगे ये भी शर्त है कि नियुक्ति की तिथि पर कोई भी अंकेक्षण फर्म जिसमें अन्य अंकेक्षण फर्म में 35 उभयनिष्ठ साझेदार हैं और जिनका कार्यकाल उस कंपनी के तत्काल वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ हो तो उसकी नियुक्ति 5 वर्षों की अवधि के लिए अंकेक्षक के रूप में नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ एक और शर्त भी है कि प्रत्येक कंपनी को जो भी इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व में विद्यमान है, जो 2013 का अधिनियम है उससे पूर्व में विद्यमान है, जिसे इस उपधारा के प्रावधानों का अनुपालन करना होता है, वह भी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 वर्षों में इस उपधारा में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। और यह भी शर्त है कि इस उपधारा के प्रावधानों का कंपनी के अंकेक्षक को निकाल देने या हटा देने तथा अंकेक्षक द्वारा पद त्याग करने के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके आगे जो बिंदु है वह है इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एक कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि अधिनियम प्रावधानों के अधीन एक कंपनी के सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और प्रस्ताव पारित करके अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि नियुक्ति की गई अंकेक्षण फर्म के लेखा परीक्षण करने वाले साझेदारों ये उन दल के सदस्यों को उनके प्रभाव के अनुसार अंतराल में बारी बारी परिवर्तन किया जाए, बदला जाए। और दूसरा है एक से अधिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण का संचालन किया जा सकेगा। और चौथा इसमें बिंदु है केंद्रीय सरकार द्वारा नियमानुसार आदेश देकर
अंकेक्षकों के प्रवर्तन करने की प्रक्रिया उपधारा 2 के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है। इसका सीधा स्पष्टकरण यह है कि जो फर्म शब्द की सीमित दायित्व वाली साझेदारी सम्मिलित होगी, जिसका निर्माण सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 धारा 6 2009 के अंतर्गत हुआ होना चाहिए। और इसके आगे जो बिंदु महत्वपूर्ण है वो है 5वां, जो उपधारा 1 के अनुसार है में कुछ भी निहित होने के बावजूद एक सरकारी अथवा अन्य कोई कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अनेक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित कंपनी की स्थिति में एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त करने की पूर्ण रूप से योग्यता रखता हो। ऐसी नियुक्ति वित्तीय वर्ष आरंभ होने के 180 दिन में की जाएगी जो वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक कार्य करेगा। भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति करने के रूप में यदि कोई व्यक्ति या फर्म पूर्ण योग्यता रखता है तो उसकी नियुक्ति उस वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के 180 दिन की अवधि में की जानी चाहिए और वो साधारण सभा की समाप्ति तक कार्य करेगा, ये उसमें नहीं। 6ठा ये है, वो भी उपधारा 1 के अंतर्गत, कुछ ऐसे नियुक्त होने के बावजूद सरकारी कंपनी के अतिरिक्त कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, जो सरकारी कंपनियां हैं उसके अलावा जो कंपनी है उसमें प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति है वो संचालक मंडल द्वारा या कंपनी के पंजीयन होने के 30 दिन के भीतर की जाएगी। संचालक मंडल द्वारा 30 दिन की अवधि में की जाएगी। बोर्ड द्वारा ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं किए जाने पर उसे कंपनी के सदस्यों को सूचित करना होगा जो 90 दिन के भीतर असाधारण सामान्य सभा में ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे तथा ऐसे अंकेक्षक का कार्यकाल है वो प्रथम साधारण वार्षिक सभा की समाप्ति तक रहेगा। यदि वो सरकारी कंपनियों के अलावा अतिरिक्त जो कंपनियां हैं उसमें प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति है वो संचालक मंडल द्वारा होगी और संचालक मंडल भी उसका कंपनी पंजीयन होने के 30 दिन के अंदर अंदर नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि नहीं करता है तो फिर बोर्ड द्वारा ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाने पर उस कंपनी के सदस्यों को सूचित करना होगा और जो 90 दिन भीतर असाधारण सभा सामान्य सभा में से ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति करेगी और वो अंकेक्षक का कार्यकाल है वो साधारण सभा की समाप्ति तक रहेगा। 7वां है, उपधारा 1 में कुछ विनीत होने के बावजूद सरकारी कंपनी के अतिरिक्त कंपनी के यदि अथवा ऐसी अन्य कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या सरकारों द्वारा स्वामित्व वाली हो, मतलब इन सरकारों के अधीन हो, उनका स्वामित्व हो, केंद्र सरकार राज्य या राज्यों में अलग अलग राज्यों के राज्य सरकारों के स्वामित्व में हो अथवा नियंत्रित हो के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा कंपनी के पंजीयन के 60 दिन के भीतर की जाएगी। यदि उन पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नियंत्रण है तो जो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति है वो भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा कंपनी के पंजीयन के 60 दिन की अवधि के अंदर की जाएगी और यदि महालेखा नियंत्रक द्वारा ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति की उपरोक्त अवधि में नहीं की जाती है, 60 दिन में नहीं की जाती है, तो कंपनी के संचालक मंडल द्वारा ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति अगले 30 दिन के भीतर की जाएगी। यदि महालेखा नियंत्रक द्वारा नहीं की जाती है तो कंपनी का जो संचालक मंडल है वो अंकेक्षक की नियुक्ति है वो अगले 30 दिन के भीतर कर सकता है और बोर्ड द्वारा अगले 30 दिन में नियुक्ति में यदि विफलता रह जाता है, नहीं कर पाता है, तो वह कंपनी सदस्यों को सूचित करेगा। तो ऐसे अंकेक्षक की नियुक्ति 60 दिन की असाधारण सामान्य सभा में करेंगे
जिनका कार्यकाल है वो प्रथम साधारण सभा की समाप्ति तक ही रहेगा। आठवां बिंदु जो है वो है कोई भी अंकेक्षक के ऑफिस की आकस्मिक रिक्तता। कोई भी अंकेक्षक है उसमें ऑफिस में कार्यालय में आकस्मिक रिक्तता, अचानक किसी कारणवश वो रिक्त हो जाता है उसके बारे में। ऐसी कंपनी की स्थिति में जिनके अभिलेखों का अंकेक्षण महालेखा नियंत्रक द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जाना हो, यदि ऐसे कंपनी है जिनके अभिलेखों का अंकेक्षण है वो महालेखा नियंत्रक द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जाना है, किसी अन्य के द्वारा किया जाना है, तो संचालक मंडल द्वारा 30 दिन के भीतर भरी जाएगी, उसमें अंकेक्षण नियुक्त कर सकता है। ऐसी रिक्तता अंकेक्षण के त्याग पत्र के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो तो ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन कंपनी की वार्षिक सभा में करना होगा, जो संचालक मंडल की सिफारिश के 3 माह के भीतर संचालित होगी तथा उसका कार्यकाल भी अगली वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक ही रहेगा। इसमें दूसरा बिंदु है ऐसी कंपनी की स्थिति में जिसके अभिलेखों का अंकेक्षण भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा किया जाना हो। पहले जो हमने अध्ययन किया है उसमें यह है कि जो अभिलेख हैं उनका अंकेक्षण के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा अंकेक्षण नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको बताया कि संचालक मंडल 30 दिन के भीतर उस अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकता है। उस नियुक्ति का अनुमोदन है वो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में करना होता है और संचालक मंडल की सिफारिश के 3 महीने के भीतर संचालित होगी और उसका कार्यकाल जो है वो अगली साधारण सभा की सभा जो की जाएगी उसकी समाप्ति तक रहे। लेकिन ऐसी कंपनी की स्थिति में जिनके अभिलेखों का अंकेक्षण भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा किया जाता है कि रिक्तता महालेखा नियंत्रक द्वारा 30 दिन के भीतर भरी जानी होगी। यदि कोई अंकेक्षण छोड़ देता है, त्याग पत्र दे देता है या हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जब रिक्तता होती है तो महालेखा नियंत्रक द्वारा 30 दिन के भीतर पुनः अंकेक्षक की नियुक्ति होगी, बशर्ते कि ऐसी रिक्तता भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा उपयुक्त अवधि में नहीं भरी जाए तो संचालक मंडल द्वारा अगले 30 दिन के भीतर उसे भरा जा सकता है। यदि वो निर्धारित 30 दिन की अवधि में नहीं भरता है, महालेखा नियंत्रक अंकेक्षक नियुक्त नहीं करता है, तो इस रिक्तता की भरने के लिए संचालक मंडल अगले 30 दिन में उसकी नियुक्ति अंकेक्षक की कर सकता है। और 9वां बिंदु है इसमें उपधारा 1 के प्रावधानों के अधीन एवं तंदर बनाए गए नियमों के अनुसार एक निवर्त अंकेक्षक वार्षिक साधारण सभा में पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। उसमें यह है, नंबर 1, वह पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है, उसकी नियुक्ति की जा सकती हो पुनः, वो पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए अंकेक्षक। दूसरा, उसे अपनी पुनः नियुक्ति हेतु अनिच्छुकता के लिए लिखित नोटिस नहीं दिया गया है। और तीसरा है, किसी अन्य अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु उस सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है अथवा स्पष्ट रूप से उसे पुनः नियुक्ति नहीं दर्शाई गई है तो उसकी नियुक्ति की जा सकती है। 10वां है इसमें, जहाँ किसी वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति नहीं की गई है तो विद्यमान अंकेक्षक की कंपनी का अंकेक्षक बने रहेंगे। यदि साधारण सभा में, वार्षिक जो साधारण सभा है, अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की गई हो या पुनः नियुक्ति नहीं की गई हो तो विद्यमान जो अंकेक्षक है वही कंपनी का अंकेक्षक माना जाएगा, बना रहेगा उस। और 11वां है, यदि किसी कंपनी की धारा 177 के अंतर्गत एक अंकेक्षण सीमित संस्थान जो है उसका करना है तो समस्त नियुक्तियां अंकेक्षण की आकस्मिक रिक्तता को भरने सहित इस धारा के अंतर्गत उस समिति के सिफारिश को ध्यान में रखकर की जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी कंपनी के जो धारा 177 के अंतर्गत 177 के अंतर्गत जो बात की गई है,
अंकेक्षण समिति का संस्थापन करना आवश्यक हो तो समस्त नियुक्तियां अंकेक्षण की आकस्मिक रिक्तता को भरने सहित इस धारा के अंतर्गत उस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते ही की जानी चाहिए। और लास्ट में इन 11 बिंदु के अध्ययन के पश्चात हम इनकी समीक्षा करें, कमेंट्स करें, तो वो कमेंट्स के लिए धारा 139 है। और धारा 139 में ये कहा है कि ये धारा कंपनी अधिनियम की धारा 224 के अनुरूप है। जो धारा 139 है वो कंपनी अधिनियम की धारा 224 के अनुरूप है, उससे मिलती जुलती है, उससे समरूप है। यूँ उसके अनुसार एक कंपनी, एक व्यक्ति अथवा एक फर्म को वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति देगी, और कब देगी इसकी शर्तें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 139 है वो धारा कंपनी अधिनियम की धारा 224 के अनुरूप है। यूँ उसके अनुसार एक कंपनी, एक व्यक्ति को या एक फर्म को वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति देगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसमें लिखित में अपनी सहमति दी है, उस फर्म ने या व्यक्ति ने अंकेक्षक बनने के लिए लिखित में सहमति दी हो, और उसका कार्यकाल 6वीं वार्षिक सभा के अंत तक रहेगा। पहले भी हमने पढ़ा था कि फर्म का अधिकांशतः उसका कार्यकाल है वो 6वीं वार्षिक सभा के अंत तक ही रहेगा। चयन समिति की रीति तथा चयन प्रक्रिया केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, और कंपनी रजिस्ट्रार के पास ऐसी नियुक्ति का नोटिस फाइल किया जाना चाहिए। ये धारा अंकेक्षकों के आवर्तन के प्रावधानों पर प्रबंधन करती है, और केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के अंकेक्षकों के आवर्तन की रीति निर्धारित की जा सकती है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी कंपनियों के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें अंकेक्षक की जो नियुक्ति है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति सरकारी कंपनी के अतिरिक्त कंपनी के पंजीयन के 30 दिनों में संचालक मंडल द्वारा की जाती है। कितने दिन में की जा सकती है? 30 दिन के अंतर्गत संचालक मंडल द्वारा की जाती है। ऐसी नियुक्ति के अभाव में वार्षिक साधारण सभा के सदस्यों द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। यदि उसके नियुक्ति 30 दिन में नहीं की जाती है तो वार्षिक साधारण सभा के सदस्यों द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। और सरकारी कंपनी अथवा ऐसी कंपनी जो सरकार द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रित हो के अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी नियुक्ति के अभाव में कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालन मंडल द्वारा की जाएगी, और संचालक मंडल की नियुक्ति के अभाव में ये नियुक्ति कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के सदस्यों द्वारा की जाएगी। यदि संचालक मंडल भी नहीं कर पाता है तो अंकेक्षक की नियुक्ति वो कंपनी की वार्षिक जो साधारण सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा की जाएगी। तो ऐसे स्पष्ट हो गया है कि इसकी जो समीक्षा हमने धारा 139 जो कंपनी अधिनियम की धारा 224 के अनुरूप है उसमें स्पष्ट है कि कंपनी में एक व्यक्ति या फर्म को साधारण सभा के अंकेक्षक रूप में नियुक्ति देगी, और यदि वो सरकारी कंपनी है तो उसकी नियुक्ति का काम है वो हम भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। और महालेखा परीक्षक द्वारा यदि उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है तो उसके अभाव में अंकेक्षक की नियुक्ति वो संचालक मंडल द्वारा की जाएगी, और यदि संचालक मंडल भी नियुक्ति करने में अभाव रहता है, नहीं कर पाता है, तो उनकी नियुक्ति कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के सदस्यों द्वारा की जाएगी। अतः स्पष्ट है कि हम अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं या उसकी पुनर्नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन किया है। और अब हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।